हाय गाइस वेलकम बैक सो यूजुअली मैं ऐसे टॉपिक्स पर यार बातचीत करती नहीं हूँ ना मैं ऐसे टॉपिक्स पर आपसे शेयर करती हूँ यूजुअली हम फिल्मों की बातें कर रहे होते हैं फिल्म स्टार्स की बातें कर रहे होते हैं लेकिन जब शाहरुख खान की बात आती है ना और कोई ऐसा पुराना कह सकते हो केस या कोई ऐसा पुराना समय जो आज के टाइम में निकल करके आ रहा है और जो वो भी तब जब वापिस से ही इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं जिसको जो उनका अपना ही डायलॉग है किसी फिल्म का वो चीजें मुझे जरूर कहीं ना कहीं लगता है कि इनके बारे में बातचीत होनी चाहिए आपको याद है वो समय जब एस आर के बेटे आर्यन खान को फ्रेम किया गया था एक फेक ड्रग केस में और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था एस आर के रफेस्ट रफेस्ट ऑफ हिज लाइफ बट कहते हैं ना कर्मा जो होता है वो रियल है और आगे चल के हमें ये नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं उसका रिएक्शन जो है वो कितना नेगेटिव जा सकता है अगर हम किसी के अगेंस्ट कोई फेक चीज या कोई गलत चीज करते हैं तो आज का समय है अभी से कुछ देर पहले समीर वानखेड़े जो खुद उस वक्त पर जिन्होंने इस सारे के सारे केस को फ्रेम किया था और टारगेट किया था आर्यन खान को एंड ही पुट हिम बिहाइंड द बार्स आज की डेट में वही समीर वानखेड़े जो है इस वक्त मुश्किलों में घिर चुके हैं ईडी ने उनको समन्स भी भेजे हैं और इस वक्त पर हो सकता है उनको उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई हो जाए ठीक है यह अभी लेटेस्ट न्यूज आ रही थी लेकिन ये जो वीडियो है प्रॉपर डंकी के ऊपर आपको पता है और मैं आपको बता भी रही हूँ शुरू में कि मैं ऐसे टॉपिक्स पर बात नहीं करती लेकिन जब हम फिल्मों की बात करते हैं ना और एक ऐसे शख्सियत की बात करते हैं जिन्होंने सारे ऑर्ड्स को डिफाई करते हुए वापस से खुद को खड़ा किया मुझे वो समय भी याद है जब जिस समय पर उनकी एसआर की कुछ ऐसी पिक्चर्स भी फ्लोट हुई थी जो एक एक फादर एक हेल्पलेस फादर कैसे लगते होंगे मतलब वो क्या अपने बारे में सोचेंगे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ या पी रहा हूँ या नहीं जब उनका अपना बेटा वाज इन जेल दैट वाज आई थिंक द टफस्ट टाइम और मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा मुश्किलों भरा दौर था जिससे उन्होंने ना सिर्फ खुद वो निकले अपने बेटे को निकाला खुद निकले और यार आज के डेट में वापस से एक ऐसे मकाम पर खड़े होना यार मतलब ये ना एक तो कहते हैं कि किसी किसी के ऊपर होती है भगवान की रहमत रह्म, होती है कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होती है लेकिन इतना दम रखना कि वापस उससे लड़के वापस अपने आप को नंबर वन पे लेके आना ये आसान बात बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं है हम डंकी के बारे में बात करते हैं हम जवान के पठान के बारे में बात करते हैं पठान का दौर याद कर लो उस वक्त पे कितना कुछ शाहरुख खान ने झेला था लेकिन आज भी एक्टर्स हो इन्फ्लुएंसर्स हो कोई भी इंसान हो जो के से आज भी मिलता है वो ये बोलता है राजा वो है लेकिन वो तुमको ऐसा फील कराएंगे कि तुम राजा हो आई I मीन mean, मैं जब भी ऐसा सुनती हूँ तो मेरे सच में खड़े हो जाते हैं कि यार कोई बंदा इतना डाउन टू अर्थ कैसे है और वो भी अपने करियर के अपने लाइफ के इतने सक्सेसफुल फेज में यूजुअली हम क्या देखते हैं जब सक्सेस आती है लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं अनाप शनाप स्टेटमेंट्स बोलना शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ करना शुरू कर देते हैं ऐसा जिससे पब्लिक की नजरों में फिर वही इंसान उतर जाता है लेकिन इफ हीज बिन रूलिंग द हार्ट ऑफ़ पीपल कुछ तो होगा है ना कोई ऐसी तो होगी सो so बैक कुछ, कुछ अगर आपने किसी के साथ गलत चीज करी है वो वापस जरूर आएगी यही इस सारी बातों का मतलब है और रही बात जहां तक नंबर्स की आज भी कोई भी फिल्म उठा लो आज भी लेटेस्ट फिल्म डंकी को भी उठा लो उस फिल्म में भी जिस तरीके की मैसेजिंग जाती है वो जो भी कर रहे हैं उस फिल्म से और उस फिल्म के थ्रू और उसके कलेक्शन के थ्रू आई वुड से इज

वो वो मैजिक मुझे नहीं लगता कि कोई और फिल्म कर सकती है कोई और फिल्म में इतना दमखम होगा कोई और एक्टर शख्सियत में इतना दमखम होगा कि वो इस एज में और इस मेंटल स्टेटस में आकर अपने आप को इतना स्ट्रॉग दिखा सके आप ये भी सोचो कि जब ये सब चीजें चल रही होंगी दूसरी तरफ वो फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे होंगे आई डोंट नो कौन सी फिल्म की शूटिंग उस वक्त चल रही होगी जब वो इस फेज में थे मोस्ट प्रोबेबली पठान और जवान एनी ऑफ द फिल्म ही मस्ट बी शूटिंग फॉर दैट कैन यू इमेजिन द मेंटल प्रेशर एंड द मस्ट बी हैविंग कितनी बार उनको ब्रेक डाउन होंगे लेकिन फिर भी ही ही वेंट ऑन 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 एंड एंड तभी बहुत लोग जो दाद देते हैं ना उनके हार्ड वर्क की भाई मानना तो पड़ेगा और ये वापस से चीज आज रिवाइज हुई है दिमाग में वापस आई है बिकॉज ऑफ दिस लेटेस्ट न्यूज जो समीर वानखेड़े की न्यूज आई थी आई रियली होप दैट जस्टिस शुड बी सर्व्ड और किसी भी चीज को लेकर के आ, कोई भी आ, ताकि आगे से कुछ ऐसा ना हो कि किसी के बच्चे को या किसी के भी फैमिली मेंबर को इस तरीके से यू नो फ्रेम किया जा सके ऑल ऑफ दैट बट और चलो बात बात करते हैं डंकी की। डंकी डंकी की के के बारे बारे में में क्या करनी है डंकी के बारे में मैं आपको ये बताने वाली थी कि एक रिपोर्ट आई थी ये आई थी वैसे तो कल रात को आई थी इसलिए मुझे लग रहा था मैं रात को तो शेयर नहीं कर सकती हूं लेकिन आज मुझे जरूर शेयर करनी चाहिए कि डंकी अमेरिका की क्लोजिंग रिपोर्ट जो है, ये आ चुकी है यानी कि ग्रॉस फाइनल नॉर्थ अमेरिका से आ चुका है नॉर्थ अमेरिका क्यों भैया इतना इंपॉर्टेंट है बिगेस्ट चंक्स है ऑफ कलेक्शंस ओवरसीज कलेक्शंस इसलिए नॉर्थ अमेरिका में बहुत जरूरी है रिपोर्ट हम लोग जब भी ट्रैकिंग करते हैं ओवरसीज की तो नॉर्थ अमेरिका जरूर देखते हैं क्या चल रहा है नॉर्थ अमेरिका ग्रॉस फाइनल जो है ये आ चुका है 71.39 करोड जी हाँ 71.39 करोड़ का नंबर आ चुका है सिक्स नाइनटी सेवन लोकेशन है अगर मैं आपको ब्रेकअप बताऊं यहाँ पर यूएस कैनेडा का तो फाइव फाइव पॉइंट फाइव मिलियन फ्रॉम यूएस एंड थ्री मिलियन फ्रॉम कैनेडा थर्ड हाइएस्ट ग्रॉसर फॉर एस आर के इन दिस रीजन एस आर के थर्ड हाइएस्ट ग्रॉसर है अब हम जब सोचते हैं एस आर के ग्रॉसर्स के बारे में तो भाई दिमाग में कितनी सारी फिल्में आती हैं लेटेस्ट जो लेकिन फ्रेश तो दिमाग में आती है वो डंकी जवान पठान सो आई आई वुड से दैट थिंक इन्हीं में में इन, इसी लिस्ट में यही नाम जो है डंकी का ये जुड़ा है क्योंकि इससे पहले तो जो कुछ भी चल रहा था सोशल मीडिया पे बॉलीवुड को लेकर के शाहरुख खान को लेकर के मतलब पठान से प्री पठान एरा जो है वो ऐसा था कि यार बस उस वक्त पे ना कोई भी किसी भी लहर में बह भी जा रहा था कि यार नहीं होगा कुछ ना कुछ तो होगा ऐसी चीज जरूर हुई होगी नेगेटिव चीज जरूर हुई होगी आई वुड से दैट द काइंड ऑफ इस वाले केस में मुझे उससे उससे ये लगता है कि यार कोई ना कोई तो पावर है जो ध्यान रख रही है और वो ऐसे ही ध्यान नहीं रखती वो किसी का भी ऐसी सड़क चलते किसी का ऐसे ध्यान नहीं रखती जो इंसान सच में डिजर्विंग होता है उसके साथ वो पावर रहती है सो आई रिली होप दैट वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड ये थोड़ा सा थोड़ा अलग टॉपिक पे चला गया लेकिन एस आर के ही टॉपिक है इसका और एस आर के रिलेटेड और भी एक न्यूज ये आई थी टाइगर वर्सेज पठान की जो अब तक तो आपके पास आ चुकी होगी कि टाइगर वर्सेज पठान इज हैपनिंग इट्स नॉट शर्ड वो भी हो रही है वो भी इस साल के एंड में या 2025 में उस पर भी काम स्टार्ट हो जाएगा सो so, बट हाँ अभी तक ये न्यूज नहीं आई है कि भाई बाकी नेक्स्ट जो एसआर का ऑफिशियल प्रोजेक्ट है वो क्या होने वाला है वो कब तक रिलीज होगा उसका हम सभी को इंतजार है तो वही इंतजार में अभी हम लोग कुछ ना कुछ चेक करते रहते हैं एसआर का ये न्यूज आई थी सो so, आपका इस पर क्या कुछ कहना है डंकी के ऊपर क्या कुछ कहना है एसआर के ऊपर क्या कुछ कहना है you know section, बाकी फैलियो टाइम्स ऑफ डॉन्ट फूट शेयर इट एंड डोट फोर टू माई चैनल फाइन